नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं आपके पर्स में आपको कितने नोट रखने चाहिए और कितने नोट रखना शुभ होता है। मित्रों, इस बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मित्रों, सबसे पहले तो आपको अपने पर्स में कोई भी फटा हुआ नोट नहीं रखना चाहिए। ऐसा नोट जिसको लगता है कि आपको बदलवाना है, नोट पर यदि कुछ लिखा हुआ है तो ऐसा नोट भी अपने पर्स में ना रखें। उसको अलग से रख लें आप, लेकिन अपने पर्स में ना रखें। अपने पर्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें और उसमें जो शुभ और मांगलिक सिंबल बनाना मैंने बताया है, वो तो आप पहले वीडियो देख ही लिया होगा, तो वो ज़रूर आप देखिए और बनाइए। इसके अलावा अपने पर्स में आपको एक तो नए नोट रखने हैं बिल्कुल, लेकिन मैं बता रही हूँ कितने नोट रखना शुभ होता है। तो इसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए। आपका जो मूलांक है ना, जो मेन आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब अगर आपका टोटल एक आता है तो आप 100 का नोट रखें। बाकी नोट ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 100 का एक नोट अलग रखें। इसके अलावा आप चाहें तो उस नोट को लैमिनेट करा के भी अपने पर्स में रख सकते हैं। तो जिनका मूलांक 2 है वो 200 रुपये, जिनका मूलांक 3 है वो 300 रुपये। आप चाहें तो संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 1000, 2000, 3000, इस तरह से भी रख सकते हैं। जितना आपका मूलांक आता है उतने नोट आपको रखने हैं। 5 है तो 5000 रखिए, 500 रखिए, 50 रखिए, इस तरह से आप रखिए। तो आप समझ गए होंगे 9 तक का टोटल करते हैं और 9 जिनका 9 है उनको 900 या 9000 इस तरह से नोट रखने चाहिए। तो आप चाहें तो 900 रुपये लैमिनेट करा के भी रख सकते हैं, नहीं तो रूटीन में भी आप रखें तो 900 रुपये एक साथ रखें, 9000 एक साथ रखें, बाकी नोट अलग रखें, इस तरह से रखें। मतलब ये जो टोटल नंबर है ये एक साथ उतनी संख्या में एक ही जगह उन नोटों की मौजूदगी होनी ज़रूरी है। जैसे कि 500 का एक नोट अलग रख लीजिए या 5000 अलग रख लीजिए, अगर आपका मूलांक 5 है तो। आप समझ गए होंगे ना, सभी मूलांक वालों को इसी तरह से रखने हैं। जिनका 4 है वो 400 रख सकते हैं, 4000 रख सकते हैं, 13000 रख सकते हैं, मतलब कुल मिला के टोटल 4 आना चाहिए। ये अद्भुत टोटका है, आप इसको आजमा के देखिए। इसके अलावा अपने पर्स पर समय समय पर इत्र जरूर छिड़कते रहें। इत्र सुख सौभाग्य को देने वाला है और ये काम करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।